गांव सभ्यता की है पहली सीढ़ी, इसपे चढ़ा मानव पीढ़ी दर पीढ़ी। हर गांव का एक इतिहास है, अपने पन का एहसास है। माटी की खुशबू ऐसी जिसमें उस रब का वास है। धाम है जुड़ी है जिससे प्रीत नाम की कहानी, एक गाम की कहानी, एक गाम की कहानी, एक गाम की कहानी, एक गाम की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कहानी एक गाँव की में, और मैं हूं आपके साथ पारुल अहलावत। दोस्तों, हर बार अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको लेकर चलती हूँ हरियाणा के किसी न किसी नए गांव में, और आपको दिखाती हूँ उसका हाल और उसके इतिहास से जुड़ी कुछ खास बातें जो बनाती हैं उस गांव की कहानी को औरों से अलग और अनोखी। इस कड़ी में मैं आज आपको लेकर चलती हूँ पानीपत जिले के डिडवाड़ी गाँव में, जो गोहाना की तरफ से जाते हुए 18 किलोमीटर दूर बसा है। आपको दिखाऊंगी डिडवाड़ी के जीवन के रंग और बताऊंगी डिडवाड़ी के कुछ खास आदमियों के बारे में। तो चलते हैं डिडवाड़ी की कहानी देखने। हरियाणा के गांव किसान और खेत खलियानों के लिए जाने जाते हैं। हरे भरे वातावरण में सुकून और शांति से जीते सीधे और सरल से लोग, ऐसा है कुछ ताना बाना हरियाणा के हर गांव का। ऐसा ही एक गांव है पानीपत जिले का डिंडवाड़ी गांव। 562 साल पहले बसा भनवाला और पूनिया गोत्र वाला ये गांव डीडा के नाम पर बसा। भनवाला गोत्र के लोग जींद के सिहावा और पूनिया गोत्र के लोग दादरी से आकर यहां बसे। डिडवाड़ी गांव अपने प्रगतिशील किसानों के लिए जाना जाता है, साथ ही इस गांव में 100 से ज्यादा सरकारी अध्यापक हैं, जो इस गांव के शिक्षित और प्रगतिशील होने की कहानी बयां करते हैं। हरियाणा के हर गांव की तरह डिंडवाड़ी अच्छे बलशाली और ताकतवर लोगों के लिए भी जाना जाता है। गांव के सुरूपा पहलवान का नाम भी इसी श्रेणी में आता है, जो आज से 50 साल पहले अच्छे पहलवान हुए हैं। गांव वालों के मुताबिक गांव के ही एक और व्यक्ति रहे हैं तोता गब्दू, जो आसपास के इलाके में काफी प्रसिद्ध थे, और उसका कारण था उनका लंबा कद। आपके गांव का यो अजीब सा नाम कुकुर पड़ा, यो बताओ। ये एक नॉर्थ की लड़की थी, राजस्थान में ब्याह गई। अच्छा। वहाँ रही नहीं, उसके फिर यहाँ ले आए। यहाँ नदी लगा थे, एक पुरानी पुरानी नदी पर जंगल थे, उसके अके आपको खत्म हो जाएंगे। फिर यहाँ डिड्डा नाम था उसका, डिड्डे के नाम पाया डिडवाड़ी होगी। अच्छा, और अपने गांव के बारे में कुछ और बताओ, यहाँ के लोग किसे हैं उसके बारे में कुछ बताओ। बड़े साहसी और बलवान थे, सारी रात शेर के सामने एक लाख जमुना खड़ा रहा था। अच्छा, क्या नाम था उस आदमी का? जमुना, जमुना सिंह। अच्छा जी, तो कोई पहलवान भी होया आपके गाँव से? स्वरूप सिंह पहलवान था, कबड्डी का भी और कुश्ती का भी। और कोई खास बात जुड़ी रही हो आपके गांव की? एक तोता कब्दू था, अंग्रेजों के जमाने में बहुत लंबा। अच्छा जी। उसने अंग्रेज ने उसका नाम दूसरी तीसरी की किताबों में छपवा दिया था। अच्छा। मेरे बाप ने उसका दूसरी की किताबों में पढ़ा है। अच्छा, इसलिए नाम छपवाया, वो बहुत लंबा था? हाँ, बहुत लंबा था, इसलिए नाम छपवाया। अच्छे जाने गाँव में खूंटी गाड़ रखी है चौपाल में। अच्छा, उसका अब उसके नीचे चौतरा है। हाँ। और जब भी हाथ नहीं जाता किसी का उसका। अच्छा, तो किसने गाड़ी थी वह खुट्टी? तोता कब्दू ने। अच्छा, तो मतलब वो इतना लंबा था कि उसने इतनी ऊंची खुट्टी गाड़ दी कि इतना ही भी किसी का हाथ नहीं जाता। हाँ।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, अपना हरियाणा हरा भरा हरियाला प्रदेश है। यहाँ के खेत खलिहान ही उसकी पहचान है। बदलते समय के साथ आजकल किसान भी उन्नत तकनीकों को अपनाकर अपनी पुरानी खेती को प्रोग्रेसिव खेती का रूप दे रहे हैं और साथ ही आमदनी और विकास की नई राहें खोल रहे हैं। आइए आपको दिखाती हूँ कि कैसे। हर गांव की कुछ ना कुछ खासियत होती है जो उस गांव को औरों से अलग बनाती है, और डिंडवाड़ी जाना जाता है अपने रोजगार मुखी रवैये के लिए। यहाँ के लोग प्रोग्रेसिव फार्मिंग में भी बेहद सक्रिय हैं। अधिकतर किसान आजकल की नई तकनीकों का उपयोग कर अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। यहाँ किसान हैचरी, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म, वेजिटेबल फार्म, पॉली हाउस और पशुपालन में हाथ आजमा, दाम और नाम दोनों कमा रहे हैं और साथ ही गांव का नाम भी चमका रहे हैं। रजत, प्रोग्रेसिव फार्मिंग का एक ये नया कंसेप्ट है पॉली हाउस, इसके बारे में बताइए कि ये क्या है बेसिकली। बेसिकली मैम, ये हम यहाँ कर रहे हैं तो इससे हम पानी भी बचा सकते हैं और अपना डिफरेंट क्रॉप्स हम लिमिटेड पीरियड में ज़्यादा क्रॉप ले सकते हैं, और इसको हम अपने टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें क्रॉप्स को बहुत नुकसान हो जाता है कई बार। अच्छा। और इंसेक्ट से भी काफ़ी नुकसान है, तो अंदर हम अपनी क्रॉप्स को बचा सकते हैं और टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं ताकि हम ज़्यादा पैदावार ले सकें और ज़्यादा अपना यूज़ कर सकें। और इसमें लिमिट जो पीरियड है हमारा, जैसे 2 मंथ्स के लिए हम एक क्रॉप ले रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ हम दूसरी क्रॉप में भी जा सकते हैं, और इसके बाद जैसे हम फ्लावर्स में जा रहे हैं तो उसका भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, ज़्यादा कम से कम पानी यूज़ करेंगे। गवर्नमेंट भी इसमें हमें बहुत साथ दे रही है हर एक चीज़ में, हमें हर एक डॉक्टर्स भी आ रहे हैं काफ़ी वो बता रहे हैं। तो ये सब मैनुअल होता है या कंप्यूटराइज्ड होता है? ये हम कंप्यूटराइज सिस्टम से कर रहे हैं क्योंकि मैनुअल में काफ़ी लेबर लगेगी तो उसमें चलो नहीं, तो कंप्यूटराइज है जो चीज़, कई चीज़ें से मैनुअल भी कर रहे हैं हम तो उसमें भी ज़्यादा। तो अभी क्या फसल लगाई हुई है आपने? अभी हम खीरा ले रहे हैं। अच्छा, और इसके बाद क्या? इसके बाद हम फ्लावर्स में जाएंगे तो फ्लावर्स में भी हम काफी एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो कैसा निकलता है हमारा तो उसके बाद। दोस्तों, हरियाणा खेतीबाड़ी और पशुपालन के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है, इसलिए हरियाणा के बारे में कहा भी गया है कि देसा में देस हरियाणा, जित दूध दही का खाना। वैसे तो पशुपालन हरियाणा में घरेलू इस्तेमाल के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि पशुपालन आदमी की एक आमदनी भी बन सकता है और साथ ही आपको शोहरत भी दिलवा सकता है? जी हाँ, ऐसा ही कुछ डिडवाड़ी के साथ हुआ है। यहाँ के किसानों ने पशुपालन को निजी रूप से आगे बढ़कर रोजगार के रूप में अपनाया है, कुछ अलग करके अपने गांव का नाम चमकाया है। अलग से आपको दिखाती हूँ, कुछ बिल्कुल अलग। फैशन जगत के मॉडल्स को रैंप वॉक करते हुए आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी मवेशी को रैंप वॉक करते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा। तो आपको दिखाती हूँ कुछ ऐसे ही मुर्रा मॉडल्स। गांव का नाम न केवल यहाँ के ग्रामीणों ने रोशन किया है बल्कि यहाँ के मवेशियों ने भी खूब चमकाया है, जिनमें गोलू झोटे का नाम सबसे ऊपर है। मुर्रा नस्ल का गोलू हरियाणा प्रदेश में अपनी नस्ल का सबसे बढ़िया झोटा है, जो एक तरह से मवेशियों में मिस्टर हरियाणा है। मैंने इसमें 2002 में इसमें ज़्यादा रुचि बढ़ाई, जबकि मैंने 2004 में अपना गोलू झोटा की खरीद की थी और इसका बड़ी अच्छी तरह से पालन पोषण किया। तो आप इनकी देखभाल के लिए कोई खास तैयारी? हाँ, देखभाल के लिए सबसे पहले तो बैलेंस डाइट है, जबकि उस पर पूरा अपना ध्यान रहना चाहिए, समय समय पर ड्यूरमिंग कराना चाहिए, खनिज लगाना चाहिए, विटामिन ए और डी जो भी है अपना इसके समय समय पर अपना इनको पूरा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा जी, तो इनको आप जब चैंपियनशिप में लेके जाते हैं तो क्या इनका डॉक्टरी परीक्षण या कुछ और ऐसा भी रेगुलर समय पे? नहीं, रेगुलर ऐसा डॉक्टरी को ऐसा कोई एक्स्ट्रा वो नहीं है, जैसे वो एनिमल
रेगुलर जिसके वो अपनी जो भी है वो तो चलता ही रहता है, क्योंकि कंपटीशन एक अलग चीज़ है और डेयरी फार्मर अलग चीज़ है। कंपटीशन की तो अपनी एक्स्ट्रा ही तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि आज कंपटीशन का इतना टफ होगा कि कंपटीशन लड़ना भी आसान नहीं रहा। देखा आपने खेतीबाड़ी और पशुपालन नई तकनीकों से कितना लाभ और शोहरत देती है, लेकिन इसे आप ये मत समझना कि यहाँ के लोग सिर्फ खेतीबाड़ी तक ही सीमित हैं। शिक्षा और खेलों का स्तर भी उतना ही प्रोग्रेसिव है। इस गांव में 100 से ज्यादा अध्यापक और उतने ही फौजी हैं। साथ ही काफी युवा उस शिक्षा प्राप्त कर अपना और अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए देखते हैं। डिडवाड़ी एक प्रगतिशील गांव है, जिसका कारण है यहां शिक्षा का शुरू से ज्यादा प्रभाव होना। गांव के युवा हमेशा से ही शिक्षा और खेलों में आगे रहे हैं। गांव से कितने नौजवान उच्च शिक्षा प्राप्त कर आज देश और विदेश में नौकरी कर रहे हैं, जिनमें डॉक्टर महासिंह पूनिया, जो आजकल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक संग्रहालय धरोहर के डायरेक्टर हैं, डॉक्टर विजेंद्र पूनिया, डॉक्टर लहना सिंह और उनकी पत्नी दोनों ही पीएचडी कर शिक्षा जगत में अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही गांव के ही मनीष पूनिया और उनकी पत्नी अमेरिका में नौकरी करके अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। ये निर्मल गांव है जी। अच्छा। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं इधर और 100 से अधिक अध्यापक हैं। अच्छा। और 6-7 मियां बीबी दोनों लेक्चरर इंजीनियर जूनियर हैं। अच्छा। तो बहुत अच्छा गांव है और पढ़े लिखे बहुत हैं और पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट में हमारे गांव जितना जॉब कहीं नहीं है। अच्छा। जितनी नौकरी डिडवाड़ी गांव में है इतनी पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी नहीं है। डिडवाड़ी न केवल शिक्षा में आगे है अपितु खेलों में भी इतना ही सक्रिय है। गांव के ही हरिंदर ने एथलेटिक में नेशनल गोल्ड मेडल जीत अपना और अपने गाँव का नाम चमकाया है और गांव के ही चीनू ने कुश्ती में अपना लोहा मनवाया है। हरिंदर आप कौन सा खेल खेलते हैं? मैं रनिंग में मैडम जी। अच्छा जी, तो आपने कौन सी चैंपियनशिप खेली है? मैं स्कूल नेशनल में गया था। अच्छा। अंडर 19 में गोल्ड मेडल है मेरा। अच्छा जी, तो कहाँ पे हुआ था ये? अमृतसर में। अच्छा, कौन से साल में ये? 2010-11 में। अच्छा, तो उसके अलावा भी कहीं खेले हैं आप? स्टेट में खेला हूँ सर। अच्छा। उससे पहले स्टेट में खेल के गया था। अच्छा। पुणे में गया हूँ। अच्छा। वहाँ जूनियर नेशनल में पार्टिसिपेट किया। नॉर्थ जोन में 2011 में ही मेरा सिल्वर मेडल। साथ ही मनीष पूनिया ऑल इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल और नवनीत कौशिक, जिसने 54वीं नेशनल कराटे चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत अपने गांव का नाम ऊंचा किया है, उल्लेखनीय है। इसके अलावा गांव का ही एक और युवा भी है नवीन, जो योगा में महारत हासिल किए हुए हैं। नवीन, आप योगा कब से कर रहे हो? योगा जी करीब 10 साल से। 10 साल से। नवीन, आप ये उल्टा हाथों के बल से चलते हो, ये कब से चल रहे हो? ये 5-6 साल से जी। अच्छा, तो कहाँ से प्रेरणा लगी आपको ये ऐसा चलने की? ये जी मेरे को डिकाडला गुरुकुल से लगी। अच्छा, आप वहाँ क्या योगा सीखते थे या पढ़ते थे? पढ़ते थे जी। अच्छा, तो कितनी दूर चल सकते हो ऐसा? ये जी 10 एकड़ जी। अच्छा, तो रोज चलते हो या कभी कभी? कभी कभार जी। अच्छा, तो क्या शौकिया चलते हो? बस। तो कहीं बाहर भी आपने ऐसा करके दिखाया है? ना जी, एक आध बार करके दिखा बस। अच्छा, खेलों में कोई और रुचि है आपकी? बस जी। क्या करते हो? रेस करता हूँ। रेस करते हो? वैसे क्या करते हो, काम क्या करते हो? बस खेती बाड़ी का जी। साथ ही गांव से अनेकों युवा देश की रक्षा खातिर सेना में भर्ती हो अपना योगदान दे रहे हैं। अन्य कुछ और गांववासी सरकारी नौकरी में उच्च पदों पर आसीन है, जिनमें ईटीओ नफे सिंह भनवाला, एक्सीएन सुमेर सिंह और जय नारायण, एसडीओ बिजेंद्र सिंह भनवाला कुछ नाम हैं। हर गांव अपनी मेहनत के साथ ईश्वर की आस्था के रंग में भी रंगा होता है, तो चलिए दिखाती हूँ डिडवाड़ी वासियों की आस्था के धाम, साथ ही देखते हैं कि इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का क्या हाल है। ईमानदारी,
मेहनत कशी और भाईचारे की मिसाल देता दिंडवाड़ी ईश्वर की आस्था में इतना ही मगन है जितना कामकाज में। गांव में मौजूद शिव मंदिर, दो माता मंदिर और दो पीर लोगों की आस्था और विश्वास की कहानी कहते हैं। साथ ही सभी मूलभूत सुविधाओं जैसे पक्की साफ गलियां, स्कूल, पशु अस्पताल और झोड़ आदि से परिपूर्ण ये गांव सुंदर और शांत जीवन जी रहा है। तो ये थी डिडवाड़ी गांव की कहानी। अगले हफ्ते किसी नए गांव के इतिहास, जीवन के रंगों और कुछ खास बातों के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक मैं पार्वे अलावत आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार। गांव सभ्यता की है पहली सीढ़ी, इस पे चढ़ा मानव पीढ़ी दर पीढ़ी। हर गांव का एक इतिहास है, अपने पन का एहसास है। माटी की खुशबू ऐसी जिसमें उस रब का वास है। गाम धाम है, जुड़ी है जिससे प्रीत नाम की कहानी, एक गाम की कहानी, एक गाम की कहानी, एक गाम की।